एवरीवन, दिस इज रॉय संतवानी योर मैथ्स एंड मैथ फैकल्टी। और आज हम स्टार्ट करने वाले जो टॉपिक हमने कल कंटिन्यू करेंगे नंबर सिस्टम को, जो बहुत हमने कल देखा था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, रैशनल इरेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी जिससे बहुत इजीली आंसर आ रहे थे। चलो उस पर बेस कुछ क्वेश्चन पहले आज स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Express 0.46 bar, 0.6 bar, 0.36 bar in the form P upon Q form. मतलब हमें उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इन तीनों को, 0.4 bar को, then 0.6 bar, then 0.36 bar. हमें इसको एक्सप्रेस करना है। अब दो वे हैं, या तो आप उसको शॉर्ट ट्रिक से करो। उसके बाद हमने बताया था, जैसे शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने क्या टेक्निक बताई थी कि जब भी आपको ये रिपीटिंग है और ये कैसा है प्योर फॉर्म में करने का तरीका बहुत इजी था। नंबर ऑफ नाइन इन द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, ये आपका हो गया 4/9। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 6/9। सिमिलरली जब वो 0.36 बार है तो उसको आप लिख सकते हो 36/99। अब दो वे हैं, या तो आप एलसीएम ले लो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 10/9 प्लस 36/99। इसको वापस एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110 प्लस 36, दैट इज 146/99, विच इज योर आंसर। ये आपका तीनों का सम 0.4 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.36 बार किस में एक्सप्रेस हो चुका है, 146/99 में, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। और बहुत छोटी से कितना जल्दी आंसर आया है वो एक छोटी सी ट्रिक से, अदरवाइज आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता, उसको पहले X को कन्वर्ट कर दे और लास्ट में आंसर आता। मैंने जो एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसे विद इन 1 सेकंड आपका आंसर आ चुका है, और मैंने बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन में हमने इसका आंसर निकाल लिया। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Express 0.352 bar in the form of P upon Q. और I hope आप समझ चुके होंगे कि ये कौन सा mixed वाला form है जिसमें 0.352, it means आपकी एक non-repeating digits है और दो repeating digits आ रही हैं। करने का procedure बिल्कुल short trick से करना है, वही procedure अपनाएंगे, 352 और जो non-repeating digit है वो subtract हो जाएगी। नंबर ऑफ नाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग एंड जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 349/990। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका P अपॉन Q फे Q फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो आपने देखा होगा कि शॉर्ट ट्रिक से कितना जल्दी आंसर आ जाते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका आंसर, ये टाइम सेविंग क्वेश्चंस हैं। इस शॉर्ट ट्रिक से आप टाइम सेव कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में। आई होप आपको अब वो टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो चुका होगा किस तरह के उसके क्वेश्चन करने हैं वो भी। अब जो टॉपिक हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सर्ज और रेडिकल। सर्ज वर्ड बहुत अलग ही वर्ड है, आप लोगों को शायद फैमिलियर नहीं होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि सर्ड है क्या। बट अगर मैं बात करूं, ये कहूं कि आप सर्ड से पहले ही डील कर चुके हो, चाहे क्लास 8 से, चाहे क्लास 9th में भी आप 8th क्लास में इस वर्ड सर्ड से डील कर चुके हो किसी ना किसी वे में। तो अब वर्ड होता क्या है सर्ड, पहले इसको देख लेते हैं डेफिनेशन वाइज क्या है। कि एक नंबर स्क्वायर रूट में जब हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि रूट 2 इज अ सर्ड, रूट 5 इज अ सर्ड, तो अब कुछ कंफ्यूजन रह रहा होगा बिकॉज ये सारे इरेशनल नंबर हैं। तो सारे सर्ड्स इरेशनल होते हैं। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन वाइज जनरलाइज फॉर्म की बात करूं तो रूट ए और nth ऑर्डर में ये जो टर्म है ये सर्ड है, ये पूरी टर्म सर्ड है। इसमें रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 कुछ भी आ सकता है। यहां पे जो मतलब 2^1/2 है इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा तो ये लिखूंगा, ये एक सर्ड है। इसके अलावा अगर 2^1/3, मतलब ऑर्डर कैन बी डिफरेंट बट दिस होल थिंग इज व्हाट, सर्ड। इट मींस एवरी इरेशनल नंबर इज अ सर्ड। अब अगर देखें तो ये रूट ए की पावर, ये इट मींस इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ये nth पावर है, इट मींस आपका ये हो गया 8^1/n। ये ऑर्डर n जो है ये बताता है ऑर्डर, इट मींस पावर ऑफ n। और अगर मैं क्लियरली इसको बहुत अच्छे से समझा जाए तो इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे ये सारे सर्ड्स के बेसिक एग्जांपल्स हैं, कुछ भी नहीं, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं।
क्लियर है, ये सर्ड हो गए। और अब अगर आप वर्ड सर्ड से बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो गए होंगे और आपने देखा भी होगा, एक क्लास में हमने स्क्वायर रूट भी पढ़ा था और क्यूब रूट भी पढ़ा था, और जो नंबर जिनके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं आ पाते वो एक तरह से सर्ड ही होते हैं। क्लियर, तो वर्ड सर्ड से आप लोग फेमिलियर हो चुके हो। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रेडिकल्स, इट मींस जो हमने अभी सर्ड्स पढ़ा, रेडिकल क्या है पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने आपको सर्ड में बताया कि ये आपका सर्ड है, इसके अंदर जो ये ए नंबर, ये हमारा सिर्फ ए, ए की बात कर रहा हूं मैं, रूट के अंदर नहीं, ए की बात कर रहा हूं, ये आपका रेडिकेंट या रेडिकल कहलाता है। तो इस बेसिस पे इसकी कुछ लॉज हैं, वो लॉज हम देखते क्या है, मैं हर लॉ को एक एक एग्जांपल से समझाता जाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए बहुत इजियर हो जाए उन लॉज को समझना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं और वो ही क्वेश्चन सॉल्व करने में सर्ट्स के काम आने वाले हैं। सबसे पहली बात, पहला लॉ कि अगर कोई सर्ड है और उसकी पावर एन है तो वो इक्वल टू ए होता है। इसको मैं थोड़ा ढंग से समझाऊं तो अगर देखें तो ये देखिए ए टू द पावर वन बाय एन, ये सर्ड है क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बोला गया टू द पावर एन, और अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट्स याद हो या जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इट मींस इसका क्या है, वन बाय एन इंटू एन, और एन से एन कैंसिल हो गया, ए टू द पावर वन, ये कितना हो गया ए। तो आपने देखा होगा ये लॉ किस तरह से, इसका एक एग्जाम्पल भी देता हूं, टू और मैंने यहां लगा दी पावर थ्री, तो इट मींस इसका आंसर कितना आएगा टू। तो आप बहुत इजीली पहचान जाओगे जब ये ऑर्डर और ये पावर सेम हो तो नंबर जो है, इट मींस जो रेडिकल है वो ही आंसर होता है। क्लियर, सेकंड लॉ देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू दिस, इट मींस जब दो मल्टीप्लाई होंगे सर्ड्स तो उनका ऑर्डर सेम रहता है और वो दो सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैंने कहा दिस, तो यहां फोर और फाइव, ऑर्डर थ्री है दोनों का, तो ऑर्डर तो थ्री ही रहेगा बट फोर इंटू फाइव, दैट इज ये हो जाएगा आपका आंसर 20। ये इसका एग्जांपल था कि दो सर्ड्स थे, ऑर्डर सेम था, नंबर डिफरेंट थे, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन, तो कुछ भी नहीं करना, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है विद द सेम ऑर्डर। नेक्स्ट लॉ डिवीजन का है, वही बात, दो सर्ड्स डिवाइड में है, इट मींस ऑर्डर सेम रहेगा और वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे डिवाइड। एग्जांपल, तो ये 15 बाय 25 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा। क्लियर, आई होप ये तीनों लॉज बहुत अच्छे से, ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लिख लेना और बहुत मेमोराइज भी कर लेना क्योंकि सर्ट्स के प्रॉब्लम में ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। नेक्स्ट लॉ, अब ये लॉ थोड़ा टिपिकल टाइप का दिख रहा है बट अगर आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व करो कि एक सर्ड के अंदर सर्ड गिवन है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गई और अल्टीमेटली आप पावर इस जो ऑर्डर है उसको इंटरचेंज कर सकते हो। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, जैसे मैंने कहा यहां पे 7, अब अगर आपको इसको देखो, इसको अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो मैं कुछ इसको इस तरह से लिख सकता था, 2 की पावर 1 बाय 3 और ये 7, ये भी एक सर्ड ही है, ये भी पावर 7 है, इट मींस ऑर्डर 7 है, तो उसको आप 1 बाय 7 फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 1 बाय 3 टू द होल पावर 1 बाय 7। और अगर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद है तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2 टू द पावर 1 बाय 3 इंटू 1 बाय 7, इट मींस 2 टू द पावर 21, तो 21 है, इट मींस आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ये आपका अल्टीमेटली m into n, यानी m into n, अगर आप क्लियरली इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो तो जब इस तरह से दिया हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 37 या 21 डायरेक्टली आपका मिल जाएगा। और अगर आप इनको ऑर्डर चेंज भी करोगे तो भी फर्क नहीं आएगा, बिकॉज अगर इधर 7, इन केस यहां पे 7 और यहां पे 3 होता तो भी आपका आंसर यही आता, तो इट मींस आप दोनों के ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हो। अगर एक सर्ड के अंदर दूसरा सर्ड है उस ऑर्डर में करना कुछ भी नहीं है, उन ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो सिंप्लीफाई होके एक सिंगल सर्ड में कन्वर्ट हो सकता है, नोट कर लीजिए आप उसको। नेक्स्ट, वापस वही, अब यहां पर अगर आप देखो
तो ये दिया हुआ था कि एक सर था उसको एक कांस्टेंट नंबर पी से मल्टीप्लाई कर दिया गया दोनों, और हमने इसे इक्वल शो कर रखा है। तो इसे एग्जांपल से बताता हूं कि ये इक्वल कैसे है। देखिए अब अगर आप इसको देखो यहां पे इस इट मींस है क्या 4 स्क्वायर टू द पावर 3 अगर टू द पावर 1/3। अब अगर आप देखोगे तो हमें ये बोल रखा है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर ये 4 टू द पावर 2/3 है, इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखेंगे तो ये 4 टू द पावर 2/3 है। अब अगर मैं इसको दोनों साइड 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है 4 टू द पावर 4/6, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 ही मिलेगा। मतलब अगर कोई कांस्टेंट नंबर जो ऑर्डर है और जो पावर है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए तो अभी वो सर्ट एज इट इज ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं आता, बस आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, आप 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, बट अल्टीमेटली रिजल्ट 4 टू द पावर 2/3 ही आएगा। क्लियर, लॉज कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको मैंने बहुत जैसे बोल दिया लॉज को बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, इनको लिख लेना है, ये लॉज बहुत काम आने वाले हैं। अब हम टाइप ऑफ सर्ट देखेंगे, प्योर एंड मिक्सर। सबसे पहले प्योर सर्ट को देख लेते हैं, तो प्योर सर्ट और मिक्सर में डिफरेंस है क्या और एक्चुअली में होता क्या है। देखिए अभी तक मैंने आपको ये समझाया, ये भी बताया, ये सारे प्योर सर्ट है। अब प्योर सर्ट और मिक्सर में डिफरेंस क्या है मैं आपको ये बता दूं। मैंने कहा यहां पे ये, तो ये आपका मिक्सर हो गया। तो एक्चुअल में प्योर सर्ट वो है जिसका रैशनल फैक्टर यूनिटी है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूं तो इनका रैशनल फैक्टर जो आएंगे वो सिर्फ 1 ही आएगा, रैशनल फैक्टर। बाकी सारे जितने भी फैक्टर इन दो टर्म्स के आएंगे वो इरैशनल है। तो ये हो गए आपके प्योर सर्ट्स। बट अगर मैं इस जगह इस टर्म की बात करूं 3, तो यहां पे इसके अब जब मैं फैक्टराइज करने जाऊंगा तो यूनिटी 1 के अलावा 3 भी एक फैक्टर आ रहा है, और 3 इज अ रैशनल फैक्टर। तो ये आपका मिक्सड हो गया। आप बिल्कुल कंसेप्चुअली चलिए, 1 अगर यूनिट फैक्टर मतलब यूनिटी एज अ फैक्टर है रैशनल फैक्टर तो वो प्योर सर्ट, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई और हो गया तो दूसरा वो है मिक्सर। ये कंसेप्ट डिफरेंस करता है प्योर और मिक्सर में। इस पे बेस हम क्वेश्चन भी देखेंगे, देखेंगे कि प्योर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है मिक्सर में। नेक्स्ट, अब हमें प्योर सर्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इट मींस हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो एक मिक्स सर्ट गिवन है। आपको देख के पता पड़ गया होगा ये मिक्स सर्ट है। कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखिए 2 × √3 है, तो अगर आप चलो रूट थ्री को मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 1/2, लेकिन यहां 2 की पावर 1/1 है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो ये है कि दो सर्ट्स का मल्टीप्लीकेशन सर्ट्स मल्टीप्लाई व्हेन ऑर्डर इज सेम, मल्टीप्लाई और डिवाइड। दो सर्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड तभी होंगे जब ऑर्डर सेम है। अगर मैं इधर ऑर्डर की बात करूं तो यहां 1 है, यहां 1/2 है, इट मींस इसको मुझे 1/2 बनाना पड़ेगा तभी मैं दो को मल्टीप्लाई कर सकूंगा। और लॉ ऑफ रेडिकल से आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर सेम रह जाता है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए 1/2 में, इट मींस मुझे यहां नीचे 2 लाना है। तो मैं इस 1 को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे फर्दर तो ये आपका आएगा 2/2, इट मींस अल्टीमेटली 2 की पावर 1 ही है, क्योंकि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/2 मिलके 2 की पावर 1 ही होगा। ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आप इसको थोड़ा और क्लियरली सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 2 1/2 × 3 टू द पावर 1/2 और 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो ये अब आपका कुछ इस तरह बन गया √4 × √3, और मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑर्डर सेम तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर दो 4 × 3 = 12। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका एक प्योर सर्ट की फॉर्म में मिक्स सर्ट जो 2√3 आ वो कन्वर्ट होकर √12 बन गया। इसका यूनिटी के अलावा कोई रैशनल फैक्टर नहीं है, मतलब ये आपका एक कन्वर्ट हो गया प्योर सर्ट। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं वापस। अब पावर 1/3 आई है, अब पावर 1/3 आई है तो आप समझ चुके होंगे कि यहां पावर 1 है, यहां 1/3 है, यानी मल्टीप्लिकेशन किससे होगा
3 बाय 3 से। तो करते हैं इसको सॉल्व, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इस बार, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलूंगा। पहले 1 है, यहाँ पे 4 की पावर 1 बाय 3 है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 3 बाय 3, 4 टू द पावर 1 बाय 3, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 8 टू द पावर 1 बाय 3 इंटू 4 टू द पावर 1 बाय 3। ऑर्डर सेम है, 8 4 जा 32, 32 टू द पावर 1 बाय 3, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ये। ये आपका एक मिक्सर वापस किसमें कन्वर्ट हो चुका है, प्योर सर्ट में। अब बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए, बिकॉज सिंपल वही सेम क्वेश्चन था, बट इस बार ऑर्डर 2 की जगह ऑर्डर 3 दे दिया, तो 3 बाय 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और उसके बाद सेम सॉल्विंग वही प्रोसीजर है। नेक्स्ट, अब अच्छा क्वेश्चन है, 3 बाय 4 अब जो ऑर्डर है वो 1 बाय 4 है। अगर आप 3 बाय 4 को देखो तो इसका ऑर्डर 1 ही है, वापस 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए किससे मल्टीप्लिकेशन, 4 बाय 4 से, तो इट मींस ये हो जाएगा 3 बाय 4, 4 बाय 4 इंटू 32 बाय 243, और ये 1 बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली 3 टू द पावर 4 और 4 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 आपको पता होनी चाहिए 81 होती है, और 4 टू द पावर 4 आपका होता है 216। ये कन्वर्ट हो चुके हैं, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, बिकॉज ऑर्डर सेम हो चुका है, क्लियर। अब आपको करना क्या है, ऑर्डर सेम हो चुका है, यहां 216, यहां 256 है, इसको डिवाइड करते हैं, 16 2 जा एंड 16 16 जा, यहां पे 2 8 जा, 3 से डिवाइड करते हैं, यहां 27, यहाँ आपका 81, ये 3 टाइम्स डायरेक्ट आंसर। तो अगर आप देखोगे 8 और 3 रहेगा तो इट मींस ये बन गया 1 बाय 24, ऑर्डर आपका 1 बाय 4, कन्वर्ट होके किसमें कन्वर्ट हो चुका है ये इस फॉर्म में, ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, एक मिक्स सर्ट वापस प्योर सर्ट में, जिसका यूनिटी इरेशनल फैक्टर है। आई होप आपको कन्वर्ट करना, प्योर सर्ट को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है मिक्स सर्ट को प्योर सर्ट में आ चुका होगा। जो रूल एप्लीकेबल है वो यही है कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्डर इज सेम। ऑपरेशन ऑन सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट, अब हम देखेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कब कब एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मैं एक रूल बता दूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सर्ट पे तभी पॉसिबल है जब सर्ट्स लाइक हैं, इट मींस लाइक सर्ट्स पे एप्लीकेबल है। अब लाइक सर्ट्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन है कि लाइक सर्ट्स क्या है, ये तो हमने टर्म सुनी नहीं। अब अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊं कि ये सारे लाइक सर्ट है, इनमें क्या सिमिलर दिख रहा है, अगर आप इनको क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है इनमें। अगर आप इनको ऑब्जर्व करो तो देखो इनका ऑर्डर सेम है, तीनों 2 की पावर 1 बाय 2, 3 की पावर 1 बाय 2, 3 इंटू 5 की पावर 1 बाय 2। जहां ऑर्डर सेम हो जाता है वो होते हैं आपके लाइक सर्ट, ऑर्डर सेम। और अनलाइक, अब आप समझ चुके होंगे जिनका ऑर्डर सेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों अनलाइक हो गए, बिकॉज ऑर्डर यहां 1 बाय 5 है, यहां 1 बाय 7 है। तो जिनका ऑर्डर सेम वो लाइक सर्ट, जिनका ऑर्डर डिफरेंट है वो अनलाइक सर्ट्स, और लाइक सर्ट पे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अनलाइक पे नहीं पॉसिबल। अब देखते हैं आगे, इसको सिंप्लीफाई करना है, तीनों का ऑर्डर सेम है, अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तीनों का ऑर्डर सेम है, तो सिर्फ करना क्या है हमें, सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। करने का वे वही है जब हम रूट्स को ऐड करते थे। अगर आपको डिफिकल्टी आए तो आप इस टर्म को जो अंदर है उसको एक्स मान सकते हो, बट अगर आप देखो यहां पर 250 1654, अब सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी फैक्टर है ना वो ये है कि यहाँ पे 54 है, यहाँ 16 है, यहाँ 250 है, जबकि जब हम ऐड करते हैं अगर मुझे x किसी को मानना हो तो उसके लिए ये रेडिकल सेम होना चाहिए। मतलब मैं अगर देखूं तो रूट टू और 3√2 इनको ऐड करूंगा तो 4√2 आ रहा है, यानी ये ऑर्डर सेम, ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, साथ में रेडिकल का सेम होना भी जरूरी है, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो अब देखते हैं इसमें क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले एक ऐसी टर्म्स में जिसमें रेडिकल और ऑर्डर सेम रहे।
तो कन्वर्ट करते हैं, देखो 5 इंटू 250 वन बाय थ्री, 7 इंटू 16 टू द पावर 1 बाय थ्री, नेक्स्ट 14 इंटू 54 टू द पावर 1 बाय थ्री। अगर आप देखो इनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, देखते हैं चलो। 250 के अगर आप फैक्टर निकालो तो सबसे पहले 250 को फैक्टराइज करो तो क्या क्या आएगा, इट मीन्स ये 5 का क्यूब है, तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 क्यूब 1 बाय 3 प्लस 16 को आप डायरेक्टली याद रखो 2 टू द पावर 4, 54, 54 किस तरह से कन्वर्ट हो सकता है अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 1 बाय 3। अब आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा कि 3 टू द पावर 1 बाय 3, 5 टू द पावर 1 बाय 3, 4 टू द पावर, इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा आपका, 3 इंटू 1 बाय 3 कैंसिल हो गए, ये आपके कन्वर्ट हो चुके हैं इसमें। अब अगर आप देखो 14 3 यहां पे जो टर्म रह गई वो 1 बाय 3, 4 बाय 3, 1 बाय 3, यानी अब तीनों का ऑर्डर सेम हो चुका है। और अगर आप इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करके लिखोगे तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो, वापिस देखते हैं इसको, इसको ब्रेक मैंने इस तरह से किया है कि दोनों पावर ऐड हो जाएंगी जब ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो 1 प्लस 1 बाय 3 अल्टीमेटली 4 बाय 3 होगा, ये बस ब्रेक किया इस पावर को ताकि हमें जो ये सर्ट जो है वो इस फॉर्म में मिले। अब आप देख चुके होंगे सारे लाइट सर्ट बन चुके हैं, 25 प्लस 14 39, 39 माइनस 42 माइनस 3, तो आंसर विल बी इक्वल्स टू माइनस 3 टू 3। इसको आप फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, मैंने बताया था मिक्सर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है प्योरसर में। क्वेश्चन देखा जाए तो यहां पर ऑर्डर सेम था, बट सर एडिशन सब्ट्रैक्ट तभी हो पाएंगे जब उनके अंदर रेडिकल जो है वो भी सेम हो। रेडिकल सेम नहीं था तो सबसे पहले हमने उसको रेडिकल को सेम किया, रेडिकल सेम करने के बाद सिर्फ नॉर्मल सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही रह गया था। यहां आपको देखा 2 की पावर 4 बाय 3 हो रहा है, उसको मैंने ब्रेक करके 2 इंटू 2 की पावर 1 बाय 3 दे दिया, बाकी जगह लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज किया है और फर्दर सॉल्विंग की है। क्लियर, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू, आप इसको नोट कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब मैंने प्योर मिक्स टू प्योर कन्वर्ट कराया था कि ऑर्डर शुड बी सेम, सबसे प्राइम कंडीशन जो आती है वो है ये है कि ऑर्डर शुड बी द सेम, तभी आप किसी भी सर्ट को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर पाते हो। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, ये है क्वेश्चन। अब अगर आप बहुत इजीली विद इन सेकेंड आंसर दे पाएंगे, ऑर्डर सेम है, बीच में दो नंबर है, तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 12 टू द पावर 1 बाय 3। नेक्स्ट 128 इंटू 3, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो मतलब मुझे इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, और 128 के फैक्टर अगर आप देखो तो 2 टू द पावर 7 ही हो रहा है 1 बाय 3। अब अगर इसको क्लियरली ऑब्जर्व करें तो ये ब्रेक हो सकता है, इसको किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं वो ये देखिए, कुछ इस फॉर्म में हो सकता है बिकॉज इसको जब आप एलसीएम लेके ऐड करोगे तो अल्टीमेटली 7 बाय 3 ही होगा, तो ये 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1 बाय 3 ब्रेक हो गया, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो ये आपका ब्रेक हो चुका है इस फॉर्म में, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया।
कुछ भी नहीं किया जब इस तरह का था, तो हमने लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एक लॉ और अप्लाई किया जो लॉ ऑफ रेडिकल्स था कि आप पावर को ब्रेक कीजिए, उसके बाद नॉर्मल सी इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया कि दो जब मल्टीप्लाई होते हैं तभी उनकी पावर ऐड होती है, बेस शुड बी द सेम, तो मैंने उसका जस्ट रिवर्ट प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करा है। नेक्स्ट 3884, अब आपको पता है ये डिवाइड कब होंगे, ये डिवाइड तभी हो पाते हैं जब ऑर्डर सेम और ऑर्डर डायरेक्टली दिख रहा है 1/4 है, तो इस मींस आपको करना है क्या है 3888 डिवाइड बाय 48, ऑर्डर आपका 4 ही आएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं। और फर्दर सॉल्व करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 3 34 8 6, फिर से देखें तो ये आपका आ गया 81 और आपके पास ऑर्डर क्या मिल रहा है 81 4। आप इसके बाद और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो बिकॉज 81 के फैक्टराइज करोगे तो वो आता है 3 to the power 4। अब आपको लॉ ऑफ रेडिकल का फर्स्ट लॉ याद आ गया होगा कि जब ऑर्डर और पावर सेम है तो रेडिकल इज द आंसर, इट मींस आंसर इज 3। ये बिल्कुल फर्दर सॉल्विंग का मैंने इसलिए बोला था रॉ ऑफ रेडिकल्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखो उनसे आंसर बहुत जल्दी आते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्योरली यू सर्व्स होने हैं, सर्व दे रखा है, कैसे सॉल्व करना है देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड की जाएगी। सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है वो ये है, ये आपका सॉल्व। अब इधर ऑर्डर 1/3 है, अब इसको मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। जब हमें अगर कभी सॉल्व करना होता था x2 = 2 तो हम क्या करते थे, इसको लिखते थे x = ±√2, ये तब होता था, इट मींस जो पावर यहां 2 में है वो आप वहां जाके डिवाइड में चली जाती है, तो यहां पावर अगर डिवाइड में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इट मींस ये आपका कुछ इस तरह का टर्म बनेगा 4x - 7 = 5 to the power 3, पावर यहाँ डिवाइड में थी उधर जाके क्या हो गई मल्टीप्लाई हो गई, तो अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 125 और इसको फिर से सॉल्व करने का 4x = 132, तो यहां से x की वैल्यू डिवाइड करने पर हमारे पास आएगी वो आएगी 132 डिवाइड बाय 4, दैट इज 4 3 and 33, x = 33, कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी पावर डिवाइड में हो तो इक्वल्स हो के तो उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर मैं यहाँ से 5 की वैल्यू निकालना चाहता तो मैं इस क्यूब को उधर पावर डिवाइड में ले जाता, यानी यहाँ पे क्यूब था तो वहां जाके 1/3, इट मींस अगर आपके पास कुछ इस तरह से टर्म दी हुई हो तो आप इसको लिख सकते हो a = b to the power 1/n, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसी से बेस क्वेश्चन जब भी ऐसे सर्ट्स की कुछ पावर आएगी सॉल्व करने में ये कंसेप्ट काम आएगा। सिमिलरली अगर कभी ऐसे पावर दी गई हो तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अब गिवन है यहां पर डायरेक्टली आपको बहुत इजीली कंसेप्ट आप बहुत जल्दी से बता पाएंगे आंसर, क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि पावर यहां पे ऑर्डर है, मतलब ये सर्ड है, पावर nth में होगी, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी पावर मल्टीप्लाई, तो आई होप आपका आंसर आने लग गया होगा। अब 4 3x + 1 = 2 to the power 4, 2 to the power 4 = 16, इट मींस 3x = 16 - 1, 3x = 15, यहां से x की वैल्यू सॉल्व करने पर आ गई 5। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस एक कंसेप्ट था वो ये जो बता चुका हूं कि एक पावर जब nth हो तो जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, उसके बाद सिर्फ सॉल्विंग करिए, नॉर्मल कैलकुलेशंस थी, सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल चुका है। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि रैशनलाइजेशन आपके बहुत जगह यूज आती है, हमने देखा भी होगा कि कुछ जगह पे हम रैशनलाइज कर लेते हैं, तो रैशनलाइजिंग मतलब क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। एक्चुअल में जो वर्ड है रैशनल फैक्टर, इट मींस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा रूट ए, अब अगर मुझे इस एक्स को, ये एक इरेशनल टर्म है, इस इरेशनल टर्म को मुझे कन्वर्ट करना है एक रैशनल टर्म में, तो मुझे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैंने यहां लिखा √2, तो अगर मैं इसको √2 से ही मल्टीप्लाई करूं वापस, तो √2 × √2 मैंने बताया ऑर्डर सेम, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे √4 हो जाएगा और अल्टीमेटली 2 आएगा। तो अगर आपने देखा
इसके लिए रूट टू जो है वो रैशनल फैक्टर का काम कर रहा है, बिकॉज वो एक इरैशनल टर्म को मल्टीप्लाई होने पर रैशनल में कन्वर्ट कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल समझाता हूं। मैंने रूट फोर है, रूट टू है, उसको अगर रूट एट से मल्टीप्लाई करा होता तो यहां पर रूट 16 आता और वो इक्वल्स टू होता 4, यानी रूट टू को उसने कन्वर्ट कर दिया 4 में, यानी एक इरैशनल नंबर को रैशनल में। तो ये जो रूट टू था और रूट एट था, ये दोनों इसके रैशनल फैक्टर बन गए, बिकॉज ये इरैशनल नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, एक रैशनल नंबर में। तो बस ध्यान रखना है इसी कंसेप्ट को कि रैशनल फैक्टर है क्या, कि कोई भी ऐसा नंबर या ऐसा सर्ड जो किसी दूसरे सर्ड से मल्टीप्लाई होकर उसको रैशनलाइज कर दे रहा है, इट मीन्स उसको रैशनल में बदल दे रहा है, वो आपका रैशनल फैक्टर है। डेफिनेशन दी हुई है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर देन ईच ऑफ द टू सर्ड्स इज कॉल्ड अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ अदर। मैं आपको एग्जांपल से इस चीज को समझा चुका हूं। इसके लिए एग्जांपल भी दे रखा है कि रूट फाइव बाय रूट टू इज अ सर्ड। अब आपको पता है रूट फाइव क्या था, न्यूमरेटर, रूट टू डिनोमिनेटर, और अगर मुझे इसे रैशनलाइज करना है तो मैं रूट टू को वापस नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो टू हो जाएगा, तो आपका जो कन्वर्ट होके एक नॉर्मल सा सर्ड रह जाएगा वो सिर्फ न्यूमरेटर में रह जाएगा और डिनोमिनेटर में। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जब भी हम बोलते हैं रैशनलाइज, तो जनरली हम डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करते हैं, इट मीन्स उसके उस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाए रैशनल नंबर में, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करते हैं, न्यूमरेटर को हम इरैशनल टर्म में चलने देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन डायरेक्टली यही है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आपके पास जो पहला पार्ट है वो ये है, 1/√162। अब अगर आप इसको देखोगे तो दो वे हैं, या तो मैं डायरेक्टली 1/√162 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या फिर अगर मैं ये नहीं करना चाहता तो क्या कर सकते हैं, मैं इसको ब्रेक भी तो कर सकता हूं। चलो ब्रेक करके देखते हैं, और 81 को आप डायरेक्टली 3^4 लिख सकते हो, नहीं तो आप चाहे तो फैक्टराइज भी कर लो। इट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको कुछ इस फॉर्म में लिखोगे, 2 × 3^4, फिर से थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, ये रूट टू हो जाएगा, वो 3/4/2, तो ये आपका आ जाएगा √2 × 3² इट मीन्स 9√2। अब ये आपका कन्वर्ट हो चुका है और अब हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो सिर्फ रैशनलाइजिंग किसकी करनी पड़ेगी, रूट टू की। उसको सॉल्व करने पर हमें आंसर मिल गया 9 × 2, दैट इज √2/18, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा होगा कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ रैशनलाइज करा गया है। हम चाहते तो √1/162 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी रैशनलाइजेशन कर सकते थे, बट मैंने थोड़ा फर्दर सॉल्व करके उसको फिर आंसर लिया है, ताकि हमें आगे फर्दर कैलकुलेशन ना करनी पड़े और डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाए। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, 1/7+5√2। अब इस टर्म्स को कैसे रैशनलाइज करना है ये देखिए, जब भी अगर इस टर्म को देखो तो ये a+b की टर्म है, जब भी नीचे a+b की टर्म है और उसको रैशनलाइज करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a-b की टर्म से, तो ताकि ये प्रॉपर्टी बन जाए a²-b², बिकॉज ये तभी कंसेप्ट वैलिड है जब यहाँ पे सिंगल रूट हो, इट मीन्स रूट टू, मतलब ऑर्डर जो हो वो टू हो, 1/2 का कंसेप्ट चले, बिकॉज 1/2 को हटाने के लिए आपको उसकी स्क्वायरिंग चाहिए। तो इसीलिए जब भी a+b की टर्म और रूट में दिखे तो आप a-b से मल्टीप्लाई करो, वो रैशनलाइज होके a²-b² बनेगा और आपका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाएगा। चलो इसको, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के कंसेप्ट से समझाता हूँ कि ये कैसे वैलिड है। अब देखिए 1/7+5√3 था, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये a+b है तो इसको मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, a-b से, इट मींस 7-5√3 इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। और फर्दर सॉल्व करते हैं, मैंने बताया a+b और a-b, तो प्रॉपर्टी जो यूज हो रही है a²-b², इट मींस 7² - 5√3 का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा और से सॉल्व करते हैं, 7² = 49, 5² = 25। अब √3 × √3 = 3, ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि √a × √a इज ऑलवेज इक्वल्स टू a, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट आंसर लिखना है, 5 का स्क्वायर 25, 25 = 3 = 75। ये आपका आंसर आ गया -26। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दे, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं हम यहां से, और हमें आंसर ये मिल गया।
तो अगर आपने देखा होगा तो ये एक कंसेप्ट याद रखना है इसमें कि रूट ए इंटू रूट ए इक्वल्स टू ए, जब भी इस टर्म की रैशनलाइजेशन आए तो ए प्लस बी है तो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो और उसको रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को। आई होप जो सर्ट से रिलेटेड कंसेप्ट हैं जिनकी आज हमने बेसिक्स देखी है वो आपको क्लियर होंगे। सर्ट्स के लॉ मैंने बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से मेमोराइज कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, और आज का आपका लेक्चर कवर होता है। थैंक यू।